31 जनवरी 2018 को भी सेशन कोर्ट में फायरिंग का वाकया पेश आया था, जिसमें कत्ल केस में गिरफ्तार मुलजम मलिक अमजद खान और उसकी हथकड़ी पकड़ने वाले पुलिस एहलकार आसिफ मारे गए थे, जबकि मुक्तलीद मलिक अमजद का साथी एहसन जख्मी हो गया था। सेशन जज लाहौर आबद हुसैन कुरैशी ने वाकये के बाद तहकीकात का हुक्म दिया था कि मुलजम सख्त सिक्योरिटी के बावजूद अहाते अदालत में असलाह लाने में कैसे कामयाब हो गया। इससे पहले 1 नवंबर 2016 को मलिकवाल की अदालत में फायरिंग से इब्रान नामी नौजवान कत्ल और 3 अफराद जख्मी हो गए थे। 24 जनवरी 2017 को ओकाडा की तहसील दीपालपुर की अदालत में फायरिंग से 2 अफराद हलाक और 4 जख्मी हो गए थे। 19 जुलाई 2017 को तहसील कचहरी गोजरखा में फायरिंग से कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार 2 भाई हलाक हो गए थे, जबकि 20 दिसंबर 2017 को शेखुपुरा की अदालत में फायरिंग से भी 2 अफराद जाँ बहक और 1 जख्मी हो गया था।